हम क्यों करें, हमें क्या जरूरत है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, है ये सब बेकार है, बकवास है, फेक है सब, हम इस प्लान को नहीं देखना चाहते हैं, इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, हमें हम अपने काम से खुश हैं, हम जो काम करते हैं उसी में ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं इसको करने के लिए है। दोस्तों ऐसे सवाल आपके सामने भी आते रहते हैं, तो क्यों करें हम, क्या ज़रूरत है इसकी, हमें क्यों करना चाहिए सभी को। तो मैं बता दूं दोस्तों, आज क्लियर होने वाला है आपका जो सोच है, इस तरीके का जो मानसिकता लोगों में, वो क्लियर होगा। वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए आप। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बगल में दबा दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्त आप देख रहे हैं, आपके सामने हर दिन बीमारी बढ़ रही है, हर दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, हर दिन महंगाई बढ़ रही है, आपके घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, रोज के रोज बढ़ रहे हैं, उम्र रोज बढ़ रही है, बाल रोज बढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे रोज बढ़ रहे हैं, आपकी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है, ये सोचने का विषय है, क्यों नहीं बढ़ रही है आपकी इनकम, क्या नहीं बढ़नी चाहिए। तरीके से समझने की कोशिश करो आप लोग कि हमारे पास भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, वाहेगुरु ने दो पैर दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, दो आंखें दिया है, दो कान दिए हैं, नाक में सुराख तक दो दिए हैं, पेट में किडनी भी दो दिए हैं, क्यों दिए हैं, क्या ये एक दे देते, उनकी मर्जी थी एक ही दे देते, लेकिन उन्होंने डबल क्यों दिया है, उन्होंने बहुत सोच समझ करके आपको डिजाइन किया हुआ है, बहुत सोच समझ करके आपको बनाया हुआ है, बहुत सोच समझ करके आपको इस धरती पर भेजा हुआ है, बहुत सोच समझ करके बड़ी उम्मीद के साथ आपको यहाँ पर लाए हुए हैं, लेकिन आप यहीं अपने जीवन को गंवाते चले जा रहे हैं, किसी की बात में सुनते नहीं है, जो सही है उसको कर नहीं, जो गलत है उसको कर ही जा रहे हैं, तो ये ध्यान देने की जरूरत है आपको, नहीं तो आगे चल करके आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और उन नुकसान का भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। जब नुकसान का भरपाई करना सोचेंगे तो समय आपके हाथ से निकल गया होगा, इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है और लास्ट तक देखते रहिए। अब इस वीडियो सोचिए क्यों नहीं है। हम लोग 20-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार कमा करके बड़े खुश हैं, क्यों खुश है जी। हम कहते हैं हमें और पैसों की जरूरत नहीं, क्यों नहीं, किसको नहीं जरूरत है। जो सबसे महंगे सबसे बड़े आदमी है, जो बहुत अमीर आदमी है, अंबानी को क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं है, शाहरुख खान को पैसे की जरूरत नहीं है, अमिताभ बच्चन जी को पैसे की जरूरत नहीं है, विराट कोहली को पैसे की जरूरत नहीं है, किसको पैसे की जरूरत नहीं आप बता दो मुझे। बहुत बड़ा अमीर आदमी उसको पैसों की जरूरत नहीं, किसको नहीं है, हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत है। लेकिन हम मिडिल मैन लोग, 20-30 हज़ार 50 हज़ार कमाने वाले लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम इसको करना नहीं चाहते, इसको समझना नहीं चाहते। दोस्त अपने साथ गद्दारी मत करो, अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को गरीबी के दलदल में मत डालो। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, आप सोच करके देखो, अपने आप से पूछो, खुद से पूछो, अकेले में जाकर, एकांत में जाकर, बिल्कुल शांतपूर्वक बैठ करके अपने आप से खुद से बातें करो। आप क्यों इस धरती पर आए हो, किस लिए यहाँ पर भेजा गया है, 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद इस धरती पर आए हो, मानुष तन मिला, इंसान का जन्म हुआ इस धरती पर, और इस धरती पर एक ऐसी व्यक्ति है जो इंसानी रूप में आया हुआ है, वो चाहे तो सृष्टि का विनाश कर सकता है और चाहे तो सृष्टि का एकदम स्वर्ग बना सकता है। आप वो व्यक्ति हो, जो चाहो वो कर सकते हो, आपके अंदर वो ताकत छुपी हुई है, आपके अंदर हुनर है, आप जो चीज़ चाहो सीख सकते हो, सीख करके कर सकते हो। सोच कर देखो, जो काम आज आप करते हो क्या सीखे नहीं थे, अगर आप सिलाई का काम करते क्या सीखे नहीं थे, साइकिल चलाते हो क्या सीखे नहीं उसको, कार चलाते हो क्या सीखे नहीं थे आप, मोटरसाइकिल चलाते हो क्या सीखे नहीं थे, कपड़ा पहनना आपने सीखा है, खाना खाना आपने सीखा, अपने हाथों से नहाना आपने सीखा है, बोलना आपने सीखा है, चलना आपने सीखा है, क्या नहीं सीखा आपने, क्या नहीं सिखाया गया आपको बचपन से, अभी तक आप सीखते जा रहे हो। लोगों से बात कैसे करनी है, रिलेशन कैसे बना के रखना है, फैमिली को मेंटेनेंस कैसे करना है, पैसों को मेंटेनेंस कैसे करना है, खर्च कैसे करना है, बचाना कैसे, क्या नहीं सीख रहे हो। रोज तो सीख रहे हो, हर दिन कुछ न कुछ आपको सिखा रहा है, फिर भी आप कहते हो सीखने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं, क्यों दोस्त, कितना अपने आप को पीछे ले जाना चाहते हो, इस भागती हुई दौड़ती हुई दुनिया में कितना पीछे अपने आप को रखना चाहते हो, क्या सोच रहे हो अपने आप को। आप वो ताकतवर इंसान हो जो चाहो आप कर सकते हो, अपने खानदान के सिस्टम को बदल सकते हो, अपनी गरीबियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हो। आए दिन हमारे दिन में कहीं ना कहीं शादी ब्याह पड़ते हैं, कोई काम काज पड़ता है, घर बनवाना पड़ जाता है, तो लोगों से कर्ज लेना पड़ता है, ये सारी झंझटें खत्म कर सकते हो, कोई और नहीं, वो आप कर सकते हो, आप चाह लोगे तो हो जाएगा। हाँ, उसके लिए सही रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा, उस रास्ते पर देखना पड़ेगा, जो काम मैं आज कर रहा हूं इसका एंड क्या है, ये लास्ट तक कहां लेके जाएगा। अगर उसी नाव में सफर कर रहे हो जिस नाव में दादाजी ने सफर किया था, तो जहां तक पापा जी पहुंचे थे वहीं तक आप भी पहुंचने वाले हो। नाव चेंज करना पड़ेगा, नाव की बात बता दो तो वो नाव आपकी सोच है, आपके विचार है, आपके संगत, आपके रिलेशन है, वो नाव है, उनको चेंज करना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा, नाव छोड़कर दूसरी नाव में बैठना पड़ेगा, तब आप दूसरे किनारे तक पहुंच सकते हो जहां तक आप जाना चाहते हो। अगर उन्हीं की बनाई हुई नाव में बैठोगे तो उसी किनारे जाओगे जहां जीरो है, कुछ नहीं, खाली है सब। खाली ना होता तो पापा जी इस तरह मेहनत नहीं करते, और पापा जी मेहनत करने के बाद फिर भी वो किनारे उसी पे पहुंचे, उसी किनारे पहुंचे, हमको मेहनत करना पड़ा, इन सब चीजों को बदलना पड़ेगा। आपको एक इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपके जीवन में दो इनकम होनी चाहिए, कम से कम की बात करें, क्योंकि सिस्टम आपके अंदर दो है, मैंने पहले बताया, हाथ पैर, हमारे कान, हमारे
हमारे नाक में सुराख, आंखें, किडनी सब डबल डबल है, तो डबल इनकम क्यों नहीं हमारे पास, सिंगल इनकम क्यों है? आइए हम जानते हैं, थोड़ा समझाते हैं आपको। सिंगल इनकम आप समझ लीजिए, एक टेबल है, टेबल एक टेबल है और इसमें एक बीच में एक राड लगा हुआ है और ये जमीन पर ऐसे है, एक राड लगा हुआ है जमीन पर है, ये समझ लीजिए। इस पे लोग जो बर्गर रख करके खाते हैं, ये सिंगल टेबल है। अगर बीच से ये राड टूट जाए तो ये टेबल कहाँ जाएगा? सीधा यहाँ जमीन पर गिरेगा। मतलब अगर आप एक इनकम पर अगर आप डिपेंड हो, कभी भी एक इनकम बंद हो जाएगी तो आप सीधा कहाँ आ जाओगे? जीरो पे आ जाओगे। एक इनकम पर अगर आप डिपेंड हो, एक इनकम पर, तो अगर ये इनकम अगर अचानक से बंद हो जाए तो आप सीधा जीरो पे आ जाओगे। लेकिन एक इनकम और आपके बीच में है जिसको समझिए, ये देखिए, एक दो तीन चार, ये जमीन है नीचे, ये समझने की जरूरत है। ये भी टेबल है, ये चार पैर वाला टेबल है। इस चार पैर में से अगर इस एक पैर को तोड़ दिया जाए या टूट जाए तो क्या ये टेबल सीधा जमीन पर गिरेगा? नहीं गिरेगा। थोड़ा सा टेढ़ा होगा, थोड़ा सा करवट होगा, लेकिन जमीन पर नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके पास तीन पैर हैं, तो ये जमीन पर मतलब कभी जीरो पर ये नहीं आएगा, लेकिन ये जीरो पर आ जाएगा। तो आपको अपनी जिंदगी में देखना है और सोचना है कि हमारे पास तीन तरह की इनकम, दो तरह की इनकम क्यों नहीं, हम एक ही इनकम पर क्यों डिपेंडेंट। सोच कर देखो दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी का काम है फिल्म बनाना, गाना बनाना, उनका शूटिंग करना, वो काम है। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं? नौरतन तेल बेचते हैं, बनियान बेचते हैं, यानी अलग काम करते हैं। दो काम हुआ कि नहीं हुआ? उतने पैसे के बाद भी वो ऐड करते हैं। क्यों? उनको पैसे की जरूरत नहीं है। सोच करके देखिए, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। शाहरुख खान जी मिरिंडा बेचते हैं और उसके बाद फेयर हैंडसम का प्रचार करते हैं, क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं है? उनका भी तो काम हीरो हीरोइन। विराट कोहली की बात किया जाए तो बल्ब बेचते हैं, कभी कुरकुरा बेचते हैं, कभी कुछ टीवी में आकर बेचते हैं। उनका मेन काम विराट कोहली का है बैट बल्ला खेलना, क्योंकि वो क्रिकेटर है। लेकिन वो क्या प्रचार करते हैं? तो पैसा नहीं कमाते हैं, क्यों ऐड करते हैं? सोच करके देखिए, एक डॉक्टर है जो हॉस्पिटल में काम करने के बाद 2 घंटे क्लिनिक चलाता है, क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं है? नहीं होती तो 2 घंटे क्लिनिक क्यों खोलता? एक टीचर की बात करें, 60-70 हज़ार 50 हज़ार इनकम लेने के बाद सरकारी टीचर की बात करें तो 2 घंटा वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं है? एक सब्जी वाले की बात करें तो एक पक्की दुकान किया हुआ, उसके बाद भी सुबह शाम अपने रेड़े से, अपने ठेले से सब्जियों को लेकर गलियों गलियों में घूमता, चिल्लाता, बेचता, क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं है? जब उनको जरूरत है पैसों की, तो आपको और हमको पैसों की जरूरत क्यों नहीं है? उनके पास दो इनकम है, दो तरह से उनके पास पैसे आते हैं, पैसे कमाने के डबल रास्ते हैं, तो आपके पास क्यों नहीं होने चाहिए दो रास्ते? आप क्यों नहीं चाहते अपने जीवन में कि दो रास्ते हमारे पास हो? दो पैर पे आप खड़ा रहेंगे तो ज्यादा देर तक खड़ा रह जाएंगे, सिंगल पैर पर ज्यादा देर तक आप खड़े नहीं रह सकते हैं। और सिंगल है तो कभी भी खराब हो सकता है, तो सीधा आपको जमीन पे बैठ कर रेंगना पड़ेगा फिर। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ रियलिटी बता रहा हूँ, मेरी बातों से अगर आपको दुख होता है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्त, लेकिन जो बता रहा हूँ वो रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ से जो मैंने जिया है वही आपको बता रहा हूँ, जो मैंने जिया है वो आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो जीवन को बेहतर बनाना, खुशहाल बनाना, आज की जिंदगी को बेहतर करके ले जाना आगे, आज की समस्याओं को खत्म करना, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को, रिलेशन को, संगत को, विचार को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इनकम डबल आनी शुरू हो जाएगी और एक प्लेटफार्म चुनना पड़ेगा जहां से आपको दूसरा इनकम आए। और सबसे बेस्ट में अगर कोई और जगह है तो है नेटवर्क मार्केटिंग, इससे बढ़िया व्यापार कुछ भी नहीं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में काम शुरू करने के लिए, पैसे इसमें कमाने के लिए, टीम बिल्ड करने के लिए, इनकम बड़ा करने के लिए मात्र थोड़ा सा समय चाहिए, मात्र थोड़ा सा समय, सीखने के लिए कोई पैसा नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट, इससे बढ़िया व्यापार कोई हो ही नहीं सकता। और जहां काम लोगों से चलता हो वो काम कभी बंद नहीं होता, इससे बढ़िया कोई व्यापार नहीं दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया। अगर आपको अच्छी जानकारी, सच्ची जानकारी मैं दे पाया हूं कि क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, हमें डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए, आरसीएम बिजनेस खास इसमें क्यों करना चाहिए, ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक मैं पहुंचा पाया हूं, बात सही लगी, समझ में आई है, आपके दिल तक पहुंची है, तो वीडियो को रोकना मत, शेयर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, जितना दोस्त हैं आपको, जितना आपके नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए लोग, सभी को वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि क्यों डबल इनकम पे चलना चाहिए, क्यों दूसरा इनकम सोर्स हमें बनाना चाहिए अपने जीवन में, क्या जरूरत है इसकी, तो इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगी उनको। हो सकता है कई लोग आपके अपने आप से नहीं सुनते हैं, लेकिन वो दूसरे से बातों को समझ जाते हैं, सुन जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैंने अपने लोगों की बात नहीं सुनता था, और सभी के घर में ऐसा होता है, लेकिन दूसरे की बात अगर दूसरा कोई बताता है तो कई बात समझ में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी तक नहीं किए, नीचे लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो शेयर कीजिए, और कोई सवाल है आपका, कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं वीडियो द्वारा आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।